वन तस्करों द्वारा नदियों और झीलों में चोरी की लकड़ी छिपाकर उसकी तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग ने वन प्रभाग को एक मोटर बोट उपलब्ध कराया है, जिसके संबंध में डीएफओ अविनाश कुमार ने बताया कि 3 सालों से सूचना मिल रही थी कि वन तस्कर नदी के माध्यम से नाव से लकड़ी को ले जा रहे थे, जिसको देखते हुए वन तस्करों को रोकने के लिए मोटर बोट की आवश्यकता थी, जिसके मद्देनजर शासन ने एक मोटर बोट मुहैया करवाया है। मोटर बोट आ चुका है। उन्होंने बताया कि मोटर बोट से वन तस्करी पर रोक लगेगी। इसके लिए 6 वन रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें वन रेंजर और एसडीओ वन रक्षकों के साथ मोटर बोट से वन की निगरानी करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ अविनाश कुमार ने कहा, ये देखिए विगत पिछले 2-3 वर्षों से देखा जा रहा था कि बरसात के सीज़न में जो वन तस्कर होते हैं वो नाव का इस्तेमाल करके नदी के रास्ते वन तस्करी कर रहे थे। इसमें थोड़ी संसाधन की हमें कमी महसूस हो रही थी, जिसमें एक स्टीमर की नितांत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। इसको देखते हुए पिछले साल ही हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भेजा था, जिसके क्रम में लखनऊ स्तर से शासन स्तर से एक नाव हम लोगों को अलॉट किया गया था, और वो नाव अभी लास्ट वीक हमें अलॉट मिल चुका है, रिसीव हो चुका है। इस स्टीमर से जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है फरगापुर ताल, सरुआ ताल वगैरह में, ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग अब कर पाएंगे। स्टाफ के लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि नाव की कमी उनके लिए उनको भी काफ़ी प्रतीत होती थी। इससे अब नाव के रास्ते हम लोग जंगल को बचाव कर सकते हैं बेटर तरीके से। सर कितनी नाव? एक स्टीमर है 8-सीटर मोटराइज्ड, मोटर बोट है ये, 8 सीट का मोटर बोट। कितने रक्षक की ड्यूटी रहेगी उसमें? देखिए वहाँ पर जो ये मुख्यतः 3 सेक्शंस हैं जहाँ पर ये बाधित हो, ये बरसात के सीज़न में ज़्यादा कटान होती है, उन 3 जगह पर तकरीबन 2-2 फॉरेस्टर फर्स्ट गार्ड तैनात है, तो 6 लोग हैं, और प्लस जो वॉचर्स होते हैं वो, उसमें जो रेंजर हैं और एसडीओ, वो भी इसका इस्तेमाल करके गश्त किया करेंगे।